मेरे पास क्यों आई है ये महिला? ये पहले तो अदर बेंच में थी, लेकिन ये लिस्टेड हो गई महिला थी। 42 का मेरा तो जुरिस्डिक्शन नहीं है भाई, महिला रोस्टर में तो सिर्फ वही केस आएगा जिसको मैं पहले सुन चुका हूँ। रिपीट बेल, रिपीट मैटर, इसलिए तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मेरे पास क्यों लिस्ट हो गई। आपके यहाँ पहले लिस्ट हो, उनका जो रोस्टर जिसके यहाँ गया है वहाँ जाएगा 42 का रोस्टर। इसमें जो नॉमिनेशन है क्या मेरा, देखिएगा चीफ का नॉमिनेशन है क्या? नॉमिनेशन तो है मेरा, मेरा बिफोर लिस्ट बताता है सर। हाँ बिल्कुल, नहीं नहीं बिफोर लिस्ट, नॉमिनेशन अलग चीज होती है, बिफोर लिस्ट अलग होता है, क्योंकि मेरा रोस्टर नहीं है क्रिमिनल के बैटर सुनने का। महिला जैसे दो इशू इन्वॉल्व है। अरे पहले इशू तो जब सुन लीजिए, पहले सर वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। नहीं पहले हमें जो रिजिक्शन हो तब तो सुनेंगे। इफ आई एम एंटाइटल्ड टू हियर दिस मैटर आई विल डेफिनेटली हियर, चाहे 5 बज जाए। इफ आई एम नॉट एंटाइटल्ड टू हियर आई विल नॉट शो इंडल्जेंस। देखिएगा दीज आर दी पिटीशंस अंडर सेक्शन सर्कुलर बेंच जो डिस्ट्रॉय हो सकती है। इसमें जब बिल मैटर आया तो जो केस डायरी आई उसमें स्टेटमेंट कुछ और लगे हुए हैं आफ्टर चालान, जो मेरे पास मेरे अनऑफिशियल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैरिट पे इसलिए नहीं जा रहा, मेरिट पे नहीं कर रहा, समझिए मेरी बात समझिए आप। मुझे 482 सुनने का रोस्टर नहीं है, मेरा रोस्टर है रिट पिटीशन, सर्विस मैटर्स, मिसलिनियस पिटीशन, मिसलिनियस अपील। मेरे पास क्रिमिनल का सिर्फ वो मैटर आएगा जिसमें मैं कभी कोई बेल सुन चुका हूँ, डिवीजन सुन चुका हूँ या कोई अन्य पिटीशन सुन चुका हूँ। सिंस आई हैव नॉट टच्ड योर मैटर इन पास्ट, ठीक है प्लीज बात समझिए आप। ये इट इज नॉट बिटवीन यू एंड मी, इट्स अ मैटर पर्टेनिंग टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ द हाई कोर्ट कि केस कैसे उस बेंच में लगा देते हैं जिसको सुनने का अधिकार नहीं है। यह केस उस जगह जाएगा, मैं लिखा रहा हूँ उस जगह जाएगा जहाँ 482 का रोस्टर है। यस, मैं उस पे नहीं कह रहा हूँ, मैं केवल चाह रहा हूँ इतना कोर्ट से संरक्षण चाह रहा हूँ कि केस डायरी यहाँ है, दो केस डायरी है, दोनों डिफरेंट हो, संरक्षित हो जाए अगली बेंच तक जाने के लिए। अभी रखवा देते ना अगली बेंच में, उसमें क्या दिक्कत है? लिखिएगा कहीं भी जाए उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये कल नहीं करेंगे, नहीं कल नहीं, 17 तारीख दे दीजिए, 16 तारीख 16 तारीख धनंजय चतुर्वेदी लर्नेड काउंसिल फॉर द एप्लीकेंट सबमिट्स दैट देयर आर टू डिफरेंट केस डायरीज अवेलेबल विद द स्टेट गवर्नमेंट एंड दे बी प्रिजर्व्ड एंड सम फिक्स्ड डेट बी गिवन as outside counsel has to argue this matter on their request office list this case on 16 January 2023 setting.